से हिम्मत हो सकती है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में लाखों लोगों ने चुन के भेजा, हमारे छोटे भाई दानिश अली को चुन के भेजा, आप उसको गाली देंगे? रोज कहते थे लोग आपको कब पहुंचना है, मैंने कहा जब पहुंचूंगा, एक गारंटी मोदी जी की तरह नहीं, सही सही की गारंटी आप लोगों से लेने आया हूं। मोदी वाले तो फर्जी गारंटी है, फर्जी गारंटी कि किस तरह से संसद के अंदर देश की सर्वोच्च पंचायत में हमारे दोस्त दानिश अली को गाली देने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। हमारे बीच में पूर्व सांसद अदीब अनवर साहब बैठे हुए हैं, इतनी उम्र में आपको जगाने के लिए आए हैं, अरे अब तो हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपसे एक ही गारंटी लेने के लिए आया हूं, 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा के बीजेपी की गाली का जवाब अपने वोट की ताकत से देना। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। जितने भ्रष्टाचारी पूरे हिंदुस्तान में है सबको चुन चुन के नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। इसलिए बीजेपी वाले जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री उनको पकड़ के नरेंद्र मोदी जी जेल में डाल देते हैं, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देते हैं, सत्येन जैन को जेल में डाल देते हैं, अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस भेजते हैं, संजय सिंह को पकड़ के 6 महीने तक जेल में डाला। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी 6 महीने नहीं 6 साल जेल में डालो, तुम्हारे आगे ना झुकेंगे ना रुकेंगे, तुमसे लड़ते रहे हैं तुमसे लड़ते रहेंगे। और हाथी वालों के चक्कर में गलती से मत पड़ जाना, हाथी ज्यादा खाती है। ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। अगर इस गाली का जवाब अमरोहा की जनता नहीं दे सकती तो नरेंद्र मोदी की तानाशाही जारी रहेगी। तो अमरोहा की सीट सबसे बड़ी सीट है, आपके सांसद को संसद में गाली दिया गया, उसका जवाब दीजिए निकल के। ये वोट की ताकत आपसे छीनी जा रही है। अगर मोदी जी जीत गए तो देश के अंदर चुनाव खत्म होगा, जिस दिन बाहर आऊंगा उस गाली का बदला लेने के लिए आऊंगा। और आपसे कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर देते हैं नरेंद्र मोदी जी। एक आदिवासी मुख्यमंत्री है झारखंड के अंदर जिनका नाम है हेमंत सोरेन, उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अब कह रहे हैं 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार। अरे हमारा छोटा भाई दानिश अली, संसद के अंदर इनके भाषणों को सुनना, और आज क्यों इनको बसपा छोड़नी पड़ी? बसपा इन्होंने नहीं छोड़ी बल्कि मायावती की गुलामी इन्होंने मंजूर नहीं किया। इन्होंने कहा दानिश अली हैं हम, बौखला गए मोदी जी पहले चुनाव के बाद, पहले चरण के बाद आओ बाओ बकना शुरू कर दिए। और मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, सूरत में चुनाव खत्म हो गया, बिना चुनाव के बीजेपी वाला जीत गया। 10 साल का हिसाब चाहिए, अपने बेरोजगारी का हिसाब, अपने महंगाई का हिसाब। मुल्क में 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपति दोस्तों का क्यों माफ किया, इसका हिसाब चाहिए। आपने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्त के नाम कर दिया, एक ही अडानी के नाम कोयला कर दिया। जो लोग हैंडपंप चुरा रहे हैं इनको चुनाव में पानी पिलाने का काम आपको करना है। अरे बिना चुनाव के बीजेपी वाला जीत गया, सूरत अभी झांकी है, पूरा देश बाकी है। पूरे देश में ये बेईमान चुनाव खत्म करेंगे, इससे पहले कि ये चुनाव खत्म करें इनकी राजनीति को पूरे हिंदुस्तान में खत्म कर देना, ये कहने के लिए आया।